आज की क्लास में हम एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन देखेंगे, साथ ही साथ हम वर्ड ऑर्ट का भी ऑप्शन इसमें देख लेंगे। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन क्या काम करता है हम देखते हैं। कई बार हमने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ड्रॉप कैप बना रहता है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? तो मैंने कई सारे पेजेस में पैराग्राफ लिख लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 पेज जो है हमारा रेडी है, और मैंने सेलेक्ट ऑल किया और इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट में सेट कर दिया है। क्लियर? तो ये देखिए मेरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। अब ड्रॉप कैप क्या होता है? जब आप मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए पैराग्राफ पे काम होता है, इंसर्ट में ये ड्रॉप कैप ऑप्शन आपको दिखाई देता है। क्लियर है? तो ड्रॉप कैप ऑप्शन में जब आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉप कैप करेंगे या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ पर मैं जानबूझ के यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ये आपका ड्रॉप कैप ऑप्शन है। तो जब ड्रॉप कैप ऑप्शन करेंगे ना, तो पैराग्राफ का जो पहला कैरेक्टर है ना, वो 3 लाइन को कवर कर लेता है। 3 लाइन को, ऐसा आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या कहीं पर देखे होंगे कि किसी भी पेज का जो पहला पेपर होता है, पहला कैरेक्टर होता है, वो 3 लाइन को कवर करता है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पर ड्रॉप कैप कर देता हूँ, तो देखिए 3 लाइन को कवर कर देगा ये, या फिर ऐसा करने से पूरी लाइंस को कवर कर देता है। या फिर आप चाहते हैं कि 3 लाइन कवर हो या 4 लाइन कवर हो या 2 लाइन कवर हो, तो आप अपने इच्छा अनुसार 2 लाइन कवर करके कर सकते हैं। ये आपने न्यूज़पेपर में या मैगजीन में देखा होगा। तो ये फिलहाल आजकल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि टेम्पलेट्स आ गए हैं सबके, और ये स्टाइल जो है चेंज होते रहती है। पहले होती थी ऐसे स्टाइल, आजकल डिजाइनिंग में देते हैं। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन उतना फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, ठीक है, या फिर हम डेट टाइम के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कंप्यूटर का डेट टाइम, आपका कंप्यूटर में जो भी डेट होगी वो इंसर्ट कर सकते हैं। आज की जो डेट टाइम है हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? चलिए हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन हमने देखा, साथ ही साथ हम यहाँ पर वर्ड आर्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। वर्ड आर्ट ऑप्शन क्या काम करता है? कुछ पहले से बने बने डिजाइन हैं, उनको आप ये सेलेक्ट कर सकते हो और अपना जो टेक्स्ट है वैसा लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइन कॉलेज, क्लियर? तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इस डिजाइन में दिखाई देगा। आजकल तो इससे कई अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आ गए हैं, अब उनको भी लोग यूज करने लग गए हैं। इनको यूज करना लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन पहले जब ये बना था तो वर्ड आर्ट को थोड़ी डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता था। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इंसर्ट ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस को देख लिया। अगली क्लास में जब हम चालू करेंगे तो यहाँ पर पेज लेआउट जो है उसको स्टार्ट करके उसके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। क्लियर है?